यीशु मसीह के नाम से बधाई देते हैं। हम अभी वचन देखेंगे, ये वचन हम आपको आशीष करेंगे, आपको पूरा बल से ताकतवर बनाएंगे, आपको ज्ञान देंगे। हम वचन देखेंगे दानियल का किताब में तीसरा अध्याय 15 वचन ऐसा कहते हैं। तीसरा अध्याय 15 वचन ऐसा कहते हैं, एक राजा कहता है, ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। देखो, एक राजा कहता है, कौन सा देवता है तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। हम इस वचन से हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस दानियल का किताब पे तीसरा अध्याय में हम देखते हैं ये सत्य। हम जानने के लिए आप कृपा कीजिए, आशीष कीजिए, जो रुकावट है यीशु मसीह के नाम से बांध कर बाहर निकालते हैं। गुलाम को छुपा कर आप प्रकट कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इधर लिखा है, ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके। इधर इस दानियल की किताब में तीसरा अध्याय में इधर शद्रक मेशक अबेदनहो, ये लोग हैं, ये लोग को ये राजा बुलाकर और 127 देश में जो कोई है, अधिकारी है, अधिपति है, सब लोग आकर राजा ने एक आज्ञा देता है। सोने की एक मूर्ति बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई, एक बड़ा मूर्ति बनाई और एक जगह पे रख दिया और सबको बुलाया राजा ने, जो जो अधिकारी है सब लोग आओ, इसको दंडवत करो। उसके पहले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आएगा, उसके बाद आप दंडवत करने का। लेकिन ये 3 पुरुष नहीं करते हैं, शद्रक मेशक अबेदनहो, वो लोग नहीं करते हैं। और राजा वो लोग को बोलता है, कौन तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा। देखो, आज भी बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारे तकलीफ आएगा, वो तकलीफ हमसे कहेगा, आपसे भी कहेगा, कौन ये तकलीफ से तेरे को छुड़ाएगा, कौन हो ये समस्या से तेरे को छुड़ाएगा, ये जो पगार कम है उसे कौन छुड़ाएगा, धंधा कम है तो कौन छुड़ाएगा, उधार में है, ऐसा वो जो स्थिति आपको मेरे को कहेंगे, कौन इस स्थिति से आपको छुड़ाएगा। लेकिन ये दानियल का किताब में हम देखते हैं तीसरा अध्याय में, कौन सा भी समस्या रहने दो, कौन सा भी बड़ा आदमी रहने दो, ये राजा इधर लिखा है और सामने वाला कैदी है, कैदी के बनाकर लाया हुआ इंसान लोग है, 3 जन है, वो लोग कैदी है। और सब लोग बड़े लोग समझते हैं, छोटे लोग अपना आदिन देने दो, अपने बात मानेंगे, वैसे ही राजा कहता है मेरे बात मानना पड़ेगा। लेकिन मसीह के लोग सबके बात नहीं मानना जरूरी है, क्योंकि हमारा साथ कौन है इसमें देखेंगे, आपके साथ मेरे साथ कौन है। इधर लिखा है दानियल का किताब 3:18 में, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। कितना ताकत से ये लोग बात करते हैं, ये लोग बोलते हैं शद्रक मेशक अबेदनहो, और न तेरी खड़ी खराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। ये लोग को दंडवत करने के लिए बोला, उपासना करने के लिए बोला, लेकिन ये लोग नहीं करते हैं। ये लोग बोला मैं नहीं करेंगे, हे राजा तुझे मालूम हो। सामने राजा खड़ा है और इधर सामने देखते हैं तो ये 3 पुरुष खड़ा है, वो राजा के साथ में बहुत सारे आदमी लोग हैं, तलवार लेके खड़े हैं और इधर आग है, पूरा आग जलती है और भट्टे में डाला, आग के भट्टे जलती है, आग में मैं ढाल दूंगा कर वो राजा कहता है। लेकिन ये लोग आग ना आग को देखते हैं, न उनके साथ में जो तलवार लेके आदमी को देखते हैं, सिर्फ परमेश्वर को देखते हैं। आप और मैं कौन सा भी स्थिति होने दो, कौन सा भी स्थिति हमको मारने के लिए, हमको जलाने के लिए आने दो, हम सिर्फ एक शक्ति को देखना अवश्य है, वही परमेश्वर। भजन संहिता में लिखा है, हम तेरे ही ओर से देखेंगे परमेश्वर, जो कोई तेरे ओर से देखता है वो प्रकाश हो जाएगा। वैसे ही शद्रक मेशक अबेदनहो आपको देखे और इतना डेयरिंग बात से कहते हैं, राजा तेरे को तुझे मालूम हो, जितना ताकत से वो लोग बात करते हैं, ये ताकत परमेश्वर आपको आज देता है। कौन सी स्थिति से आप सुन रहे हैं वचन, परमेश्वर आपको ताकत से भरता है, परमेश्वर आप आशीष से भरते हैं। कौन सा ये विरोध आने दो, बड़ा चीज रहने दो, आपसे उनको उनसे परमेश्वर बचाते हैं। ये लोग बोलते हैं मैं नहीं, मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। फिर और क्या हुआ, और हम देखते हैं वही दानियल की किताब
तीसरा अध्याय में 24:25 में हम देखते हैं, उधर लिखा है, तब वो लोग को आग के भट्टी में डाल दिया गया। ये लोग ने बात माना नहीं है, तीन पुरुष को आग के अंदर डाल दिया। फिर नेबुकदनेस्सर राजा वो लोग को देखता है, और तब वो लोग को देखते समय में क्या हुआ, ये लोग तो परमेश्वर को ऊपर से विश्वास किया। नेबुकदनेस्सर बाद में बोलते हैं ये लोग परमेश्वर को विश्वास किया। अभी इधर देखते हैं, तब नेबुकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ गया हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुषों बंधे हुए नहीं डलवाया? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देवता हूँ कि चार पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनके कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सन जैसा है। देखो, आपको जब जब परेशान आता है, परमेश्वर आपके साथ में है। ये तीन पुरुषों को परेशान आया, तकलीफ आया, आग के अंदर डाला हुआ का स्थिति आया, लेकिन ये लोग परमेश्वर को ओर से देख रहा, इतना ताकत से, डेयरिंग बात से वो लोग ने राजा को उतर दिया, और अंत में परमेश्वर उनके साथ में आ गया। उनके ही आग के भट्टी के अंदर तीन पुरुष के साथ यीशु मसीह उनके साथ में है। जो कि परमेश्वर के वचन सुनते हैं, आपके पास यीशु मसीह हैं। जब आप यीशु मसीह के साथ देते हैं तो परमेश्वर आपके साथ देंगे। ये लोग ने राजा का साथ नहीं दिया, नेबुकदनेस्सर का साथ नहीं दिया, परंतु यीशु मसीह के साथ दिया। उन्होंने कहा, हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता को उपासना नहीं करेंगे। ये लोग ने बोला, हम तेरे जो पुतला और तेरे देवता को उपासना नहीं करेंगे। ऐसा बोलते समय में परमेश्वर उनके साथ में आ गया। जब हम विश्वास से बात करते हैं, विश्वास से घर में कुछ काम करते हैं, विश्वास से हम काम धंधा करते हैं, तभी परमेश्वर आपके साथ आ जाते हैं। ये इधर वही तीसरा अध्याय में दानियल का किताब में ऐसा लिखा हुआ है, ये लोग ने जब कहने शुरू किया, हमने तेरे विषय नहीं करेंगे, तेरे बात नहीं मानेंगे, तब से परमेश्वर इनके साथ में आ गया। तो ये लोग को उस आग के बीच में डाला गया, तभी परमेश्वर उनके साथ में है, तो उनकी हानि कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही हम इस किताब में देखते हैं, अंत में क्या हुआ। जब कोई शोधना है, टेस्ट है, उसके बाद आप और मैं उसमें जीते हैं तो क्या होता है, देखिए। ये तीन दानियल के किताब तीसरा अध्याय में 29:30 में हम देखते हैं क्या हुआ। ये लोग को बाहर लाया गया, ये लोग उस आग से बाहर आया, तब उस राजा क्या कहता है, इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई साधक मेशक अब्राहम के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वो टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और उसका घर घुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन की प्रताप से शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। ये लोग के लिए समस्या आया था, टेस्ट आया था, यीशु मसीह को बिना मानना पुतला को उपासना करने के लिए, दंडवत करने के लिए, ये लोग ने वो उससे नहीं दंडवत किया। भले राजा होने दो, भले उसके साथ कोई भी तलवार रहने दो, कोई भी रहने दो, हम यीशु मसीह को ही मानेंगे, कर अपने मुंह से वो लोग ने बात किया। अपने मुंह से अब विश्वास की बात आया, अपने मुंह से परमेश्वर का महिमा किया और सीधा परमेश्वर को देखा। उसके बाद वो लोग को क्या हुआ, परमेश्वर अंत में परमेश्वर ये पुरुषों के साथ में था, आग के अंदर साथ में था। आपको कुछ आ गए, परमेश्वर आपके साथ है। आपके मुंह से परमेश्वर का महिमा करो, आपके मुंह से परमेश्वर को विश्वास के शब्द आने दो, आपके मुंह से विश्वास के परमेश्वर को शुद्धि करो, आराधना करो। वो लोग ने बोला, हम जो आराधना करने वाला हमको छुड़ाने के लिए ताकतवर है। उन्होंने बोला अपने जबान से, हम लोग जो आराधना करने वाला, आप परमेश्वर को आराधना करते हैं, परमेश्वर को आराधना कीजिए, परमेश्वर को आराधना कीजिए। सुबह जब समय मिलता आराधना कीजिए, उसके साथ प्रार्थना कीजिए। रात को समय मिलता आराधना कीजिए, उसके साथ प्रार्थना कीजिए। तभी देखो परमेश्वर को इतना अद्भुत काम आपको करेंगे। इस दानियल के किताब में तीसरा अध्याय में जो कुछ शद्रक मेशक अबेदनगो को अद्भुत किया, वही अद्भुत आपको करेंगे परमेश्वर। वही आग का जो बीच में डाला जाएगा तो भी परमेश्वर आपके साथ में रहेंगे, आपको आग से बचाएंगे, हम तो आपके द्वारा बहुत सारे आशीर्वाद पाएंगे। इधर लिखा है, देश देश को वाले वासियों को बुलाया गया, शद्रक मेशक अबेदनगो जो परमेश्वर ईश्वर को वो बड़ा ईश्वर करके उनके द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा हुआ। वैसे आप ही परमेश्वर के
विश्वास, आप अपने मुंह में परमेश्वर का महिमा करो, परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, आपको भी परमेश्वर महिमा करेंगे, सारी समस्या से दूर करेंगे, ये वचन परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, आज बदकर प्रार्थना करेंगे, जो कोई समस्या है अभी आप परमेश्वर से पूछिए, मैंने बहुत जन को प्रार्थना किया है, बहुत जन को परमेश्वर ने चंगा किया, अभी आपको कुछ समस्या चाहिए, कुछ सारे अद्भुत चाहिए, आप आँख बंद करके प्रार्थना कीजिए। जब शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने उसको ताकत दिया, परमेश्वर उनके साथ में था, आपके साथ में परमेश्वर होंगे। जब अपने मुँह से आपने परमेश्वर का महिमा कीजिए, परमेश्वर का महिमा कीजिए, आप प्रार्थना में परमेश्वर का महिमा कीजिए, बड़ा परमेश्वर है, आपको आग से बचाएंगे, सारे वह चिंता से बचाएंगे, सारे जो अंधेरा से बचाएंगे, सिर्फ एक ही परमेश्वर है। जो कोई बीमारी है तो आप बीमारी के बारे में आप प्रार्थना कीजिए, मैं भी आपके साथ में प्रार्थना करता हूँ। सब परमेश्वर जो कोई बीमारी है दूर कीजिए, यीशु मसीह के नाम से दूर जाओ, यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ, यीशु मसीह के नाम से चंगा होने दो, यीशु मसीह के नाम से आशीष करते हैं। परमेश्वर आशीष कीजिए, बढ़ोतरी कीजिए, कमी को पूरा कीजिए, आपके ज्ञान से भर दीजिए, आपको आराधना करने दो परमेश्वर, हम ऐसे ही कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।